नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। मैं अभी मौजूद हूं कांग्रेस भवन में। आज हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आज से 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। और हमारे साथ बात करने के लिए सांसद गीता कोड़ा हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते, स्थापना दिवस आज है और आपकी सरकार भी बनने जा रही है कल झारखंड में, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के स्थापना दिवस में मैं सभी कांग्रेसियों को बहुत बधाई देती हूं। और दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी झारखंड के लिए? देखिए, महागठबंधन ने चुनाव में जाने से पहले कई चीज़ों को क्लियर किया और उन्होंने पहले ही कहा है कि भाई हम झारखंडियों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर कार्य करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में झारखंड की जनता ठगी गई है, जिस डर के माहौल में, भूख से मौतें हुई हैं, डर के माहौल में झारखंडी रहे हैं, तो उससे बाहर जरूर ये सरकार उन्हें निकालेगी। झारखंडियों को उनका मान सम्मान, उनका हक, उनका अधिकार वापस देगी, आदिवासी मूलवासियों को। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। आप एक महिला हैं, अभी खूंटी में भी आप देखी होंगे कि एक महिला की जली हुई लाश मिली थी और यहाँ पर जो सरकार है वो कुछ काम नहीं कर पाई। हर दम मिलता है, यहाँ पर कांके में भी यही घटना हुई थी महिलाओं के साथ। इसके लिए क्या कुछ कानून बनेगा? देखिए, आज महिलाओं की जो स्थिति है, जिस डर के माहौल में महिलाएं रह रही हैं, वो मॉर्निंग वॉक करने नहीं निकल पा रही हैं सुबह, और रात की बात तो आप छोड़ दीजिए। और ऐसे में सरकार, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की और उनकी प्राथमिकता होगी, क्योंकि इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस पूरे विधानसभा में 10 महिला जनप्रतिनिधि चुन करके आई हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल होगी और महिलाओं को सुरक्षा जरूर दी जाएगी। कांग्रेस में कितने मंत्री पद मिलने वाला? देखिए, ये कांग्रेस को कितने मंत्री पद मिलेंगे, कौन मंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये सारी चीज़ें हमारे आला कमान तय करेंगे, गीता कोड़ा ने। तो आज जनता को क्या उपदेश देना चाहती हैं जो कि स्थापना दिवस? देखिए, जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी ने महागठबंधन को अपना पूर्ण बहुमत दिया है और आज कांग्रेस की स्थापना दिवस है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार इतने वर्षों में सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है, उसी तरह झारखंड में भी सभी वर्गों को, सभी समुदायों को, सभी पुरुष, महिला, बच्चे, सभी को साथ लेकर के चलेगी और विकास की एक नई गाथा यहाँ लिखेगी। तो आपने सुना कि ये थी गीता कोड़ा और बोली कि इस बार कांग्रेस झारखंड में हर जनता को हर एक विकास की नया गाथा लिखेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बिहार झारखंड की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।